मोदी जी, देश मंदिरों को तोड़ने से नहीं बनता, देश दिलों को जोड़ने से बनता है। आप दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, मंदिरों को तोड़ने का काम बंद कीजिए। आपका मंदिर मंदिर है और हमारा मंदिर मंदिर नहीं है। आपकी आस्था आस्था है और हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारी तो आस्था से बढ़कर ये दस्तावेज है। इन दस्तावेज के होने के बावजूद एक तरफ तो आप आस्था को प्रूफ मानते हैं और दूसरी तरफ जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आप उसको प्रूफ नहीं मानते हैं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे एक मंदिर को बनवाने के लिए और एक तरफ बना बनाया मंदिर जिसका प्रमाण सब कुछ है उसको तोड़ दिया गया। क्या डीडीए अगर इतना बड़ा प्लॉट दे सकती है बीजेपी का मुख्यालय बनाने के लिए तो क्या रविदास मंदिर की थोड़ी सी जगह को नहीं छोड़ सकती? जिस तरीके से इस मंदिर को तोड़ा गया 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, ये साफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और ये अचानक से नहीं हुआ है। जब आप सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनी उसके बाद से अगर आप एक एक करके देखेंगे और तथ्यों को कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल मामला मंदिर नहीं है, ये मामला मानसिकता का है। ये दलितों के खिलाफ जो सोच है ये मामला उस सोच का है। जैसे इनकी सरकार बनी ऊना के अंदर, गुजरात के अंदर, जिस तरीके से हमारे लोगों को ये कहते हुए कि ये जानवर की खाल उतार रहे थे, ऊना के अंदर जो खाल उतारने का काम कर रहे थे वो कोई अवैध काम तो नहीं कर रहे थे, वो कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनके कपड़े उतार के नंगे बदन पे लोहे की रोड से जिस तरह उनकी पिटाई की गई ये मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह गुजरात के अंदर एक व्यक्ति को मूंछ रखने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई कि तुम मूंछ रखोगे तो हम क्या रखेंगे। जिस तरह यूपी के कानपुर के अंदर हमारे एक युवा ने शादी अपनी घोड़े पे निकालने की बात की, क्या इतनी भी पुलिस नहीं है कि एक युवा की शादी को की बारात को घोड़े पे चढ़ के निकलने दे? ये मानसिकता का सवाल है सर। और इसके बाद जिस तरह आपको पता होगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर रोहित वेमुला का सांस्थानिक हत्या की गई, उनको कंपेल कर दिया, उसको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। वो एक सांस्थानिक हत्या थी। इस तरह कब तक चलेगा? मोदी जी, देश मंदिरों को तोड़ने से नहीं बनता, देश दिलों को जोड़ने से बनता है। आप दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, मंदिरों को तोड़ने का काम बंद कीजिए। आपका मंदिर मंदिर है और हमारा मंदिर मंदिर नहीं है। आपकी आस्था आस्था है और हमारी आस्था आस्था नहीं है। ये नहीं चलेगा, ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या डीडीए को, केंद्र की सरकार को तथ्यों को कोर्ट के सामने ठीक से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था? क्या डीडीए अगर बीजेपी के मुख्यालय के लिए इतने मतलब इतनी महत्वपूर्ण जगह पर इतना बड़ा प्लॉट दे सकती है डीडीए के एमसीडी बीजेपी का मुख्यालय बनाने के लिए तो क्या रविदास मंदिर की थोड़ी सी जगह को नहीं छोड़ सकती? रविदास मंदिर बनाने के लिए किसी पेड़ की काटने का काम नहीं किया गया। वहां पर पेड़ बाद में बने हैं, 500-600 साल से वहां पर पहले से ही एक छोटी सी कुटिया थी। मंदिर 1959 में उसको पक्का करके दोबारा बनाया गया। अभी आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर। हमारे अयोध्या न्यास कमेटी के जो बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रूफ तो हमारी आस्था ही प्रूफ है। आपकी आस्था तो प्रूफ है और हमारी आस्था? हमारी तो आस्था से बढ़कर ये दस्तावेज है। इन दस्तावेज के होने के बावजूद एक तरफ तो आप आस्था को प्रूफ मानते हैं और दूसरी तरफ जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आप उसको प्रूफ नहीं मानते हैं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे एक मंदिर को बनवाने के लिए और एक तरफ बना बनाया मंदिर जिसका प्रमाण सब कुछ है उसको तोड़ दिया गया। ये केंद्र की मानसिकता, ये प्रदूषित मानसिकता है। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है ना केवल हमारे समाज के लोगों पर जुल्म बढ़े हैं बल्कि एक एक करके वो अपनी मानसिकता को, अपने एजेंडे को लागू करने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास आज ही सुबह सूचना मिली, अभी परसों कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर मनुस्मृति बांटी जा रही है। देश के अंदर संविधान का शासन चलेगा या उस मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा जो लोगों को जातियों में बांटता है, जो लोगों के दिलों में फ्रैक्शन पैदा करता है, जो देश को तोड़ने की योजना तैयार करता है, उससे देश चलेगा? मनुस्मृति का मतलब अगर किसी जुर्म को कोई ब्राह्मण करे तो कोई सजा नहीं, उसी जुर्म को
अगर कोई क्षत्रिय करे तो 4 कोड़े, उसी जुर्म को कोई अगर वैसे करे तो 8 कोड़े, और उसी जुर्म को कोई अगर शूद्र करे तो 12 कोड़े। ऐसा अन्याय पर आधारित विधान मनुस्मृति, क्या उससे देश चलना चाहिए? क्या वास्तव में उससे भारत भारत बनेगा? क्या उससे भारत एकजुट होगा? क्या उससे भारत ताकतवर होगा? मैं फिर से कहना चाहता हूं माननीय मोदी जी, देश दिलों को जोड़ने से बनेगा, तोड़ने से नहीं बनेगा।